हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुबह सुबह उठी और मेरे लिए जोरों से अंगड़ाई किया। उसके बाद मैंने देखा लूसी घूमने की जिद कर रही थी। खोलो गेट, खोलो, मेरे घूमने का टाइम हो गया। दीपा, मेरे घूमने का टाइम हो गया, जल्दी आओ ना। फिर मैं लूसी को लेकर गई घूमने के लिए। बस इसको घुमा के मैं रेडी होती हूँ। रेडी हो चुकी हूँ, अब हम फटाफट चलेंगे जल्दी से केक लेने के लिए। तो बस फटाफट लिया मैंने अपना मिनी बैग और साथ में पहना मैंने कोट, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। तो अब हम निकलते हैं जाने के लिए। मेरा प्यारी सी डॉगी है, मेरी फेवरेट डॉगी। हाँ, मैं तुम्हारी प्यारी और फेवरेट हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज दीपा, मुझे भी लेके जाओ ना, मुझे भी चलना है आपके साथ, प्लीज ले जाओ ना मुझे। मैंने उसी को समझाया और उसको बाय बाय बोलकर निकल गई। तो हम देखिए आ चुके हैं बाहर और आप देखिए मौसम कितना ज्यादा अच्छा हो रहा है, लेकिन अंधेरा भी जल्दी होने वाला है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। तो फटाफट अब मैं पहुंच गई हूँ शॉप पे। तो मैं शॉप के अंदर गई और मैंने भैया से पूछा कि मेरा केक रेडी हो गया है। तो मैंने देखा कि भैया मेरा ही केक रेडी कर रहे थे। तो गाइस, ये मेरा 100 केक का केक है, तो इसकी झलक मैंने आपको दिखाई है। तो भैया बस इस केक को पैक करेंगे और फिर मैं केक लेके निकल जाऊंगी वापस के लिए, घर के लिए। तो फटाफट अब हम निकल गए हैं घर के लिए और आपको मैं बताऊंगी कि अब कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। देखिए गाइस, अभी सिर्फ बज रही शाम की 6 और इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। तो फटाफट मैंने गाड़ी दौड़ाई और मैं फिर पहुंच गई जल्दी से अपने घर पे। तो गाइस, मैं आ गई हूँ, मैंने गाड़ी खड़ी करी, अब मैं अंदर जा रही हूँ। तो गाइस, मैं केक लेकर आ चुकी हूँ, तो अब हम थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह करेंगे। तो बस पापा और मैंने मिलकर डेकोरेशन की तैयारी करी। डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप पीछे देख सकते हैं पूरा डेकोरेशन मेरे 100 के सब्सक्राइबर का। थोड़ा सा मैंने डिले कर दिया और आप और डिले नहीं करते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको केक। तो गाइस, ये है हमारे 100 के सब्सक्राइबर का केक। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो गाइस, आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो ये सब आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। बस अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए। तो गाइस, अब हम करेंगे केक कटिंग। तो ये केक आप सबके लिए है और आप सबकी तरफ से ये केक मैं खा रही हूँ। थैंक यू गाइस। अब मैं खिलाऊंगी पापा को केक और फिर मैं लूंगी उनसे ढेर सारा आशीर्वाद, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो गाइस, आज के व्लॉग्स में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।